क्या 100 साल से ज्यादा पुराना सरकारी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपनी लगभग 600 ब्रांच बंद करने जा रहा है। इस खबर ने इस बैंक के ग्राहकों की नींद उड़ा दी है। उन्हें भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही इसका सबसे ज्यादा असर ग्राहकों पर पड़ेगा, जिसको लेकर लोग काफी चिंतित हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लगभग 600 ब्रांच को बंद होने की खबर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने आधिकारिक जवाब दिया है। बैंक ने अधिकारियों का बयान जारी कर इस खबर का खंडन करते हुए कहा कि पिछले दिनों न्यूज एजेंसी राइटर ने खबर दी थी कि सार्वजनिक क्षेत्र का सेंट्रल बैंक अपनी कुल बैंक शाखाओं में से 13% को बंद करेगा। इन 13% की अगर आंकड़ों में गणना करें तो यह संख्या हो जाती है 600 के बराबर। 600 ब्रांच बंद करने की खबर का खंडन करते हुए बैंक का कहना है कि वित्त वर्ष 2022-23 में बड़ी संख्या में ब्रांच बंद करने को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है। बैंक ने कहा कि कॉरपोरेट व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बैंक के लिए नियमित आधार पर शाखाओं को फिर से ऑनलाइन करना, ट्रांसफर करना, विलय करना, बंद करना या खोलने का एक रेगुलर प्रैक्टिस है। बयान में कहा गया है कि हम अपने प्रिय ग्राहकों और अन्य सभी हितधारकों को आश्वस्त करते हैं कि उनके हित अच्छी तरह से सुरक्षित हैं। बैंक के आधिकारिक बयान के बाद ग्राहकों की जान में जान आई। कहा जा रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को कुछ अन्य सरकारी बैंकों के साथ 2017 में रिजर्व बैंक के PCA के दायरे में डाल दिया गया था। हालांकि तब से लेकर अब तक सिर्फ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ बाकी के सारे बैंकों ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर लिए और लिस्ट से बाहर हो गए। राइटर्स ने खबर दी थी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर बनाने के लिए अपने कई ब्रांचेज को बंद करना पड़ रहा है। इसमें वैसे ब्रांचेज शामिल हैं जो या तो कई साल से घाटे में चल रही है या अच्छा बिजनेस कर पाने में नाकामयाब है। साल 2017 में सेंट्रल बैंक के साथ अन्य 12 बैंकों को RBI के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई यानी PCA के तहत रखा गया था। RBI ने बैंक की वित्तीय सेहत में गड़बड़ी को देखते हुए एक कार्रवाई की थी। तब से सेंट्रल बैंक को छोड़कर सभी उधारदाताओं ने अपने वित्तीय सेहत में सुधार किया और RBI की PCA सूची से बाहर आ गए। लेकिन सेंट्रल बैंक को अब भी संघर्ष करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि PCA के तहत एक बैंक को नियामक द्वारा अधिक जांच का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा उधार और जमा प्रतिबंध, शाखा विस्तार आदि पर रोक लगा दी जाती है। इसके अलावा RBI ने ग्राहकों के हितों की सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 36 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि 100 साल से ज्यादा पुराने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास अभी 4594 ब्रांचेज का बड़ा नेटवर्क है। राइटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने 13% शाखाएं यानी करीब 600 ब्रांच को बंद करने जा रहा है। बैंक की वित्तीय हालात ठीक नहीं है और दुरुस्त करने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक की मार्च 2023 के अंत तक नुकसान में चल रहे 600 शाखाओं को बंद करने का मर्ज करने की योजना है। लेकिन अब बैंक ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि सेंट्रल बैंक के किसी भी शाखा को बंद करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है, जो ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर है। लाइव सिटीज के लिए डेस्क की रिपोर्ट।